2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये संबंध गैर कानूनी है। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है, मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उनपे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं, जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है, ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है, इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं, मेरा तन मन धन देश के लिए है,
मेरी एक एक सांस देश के लिए है, मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए।